आगरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जगह जगह मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया व कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि हर वर्ष की बात ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आगरा के नामनेर में 2 दिवसीय भव्य और विशाल मेले का आयोजन किया गया। वहीं नामनेर बाजार कमेटी के पदाधिकारियों ने हर वर्ष की बात ही लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सुंदर सुंदर मनमोहक झांकियां भी निकाली गईं। इस दौरान नामनेर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। नामनेर स्थित हनुमान जी के मंदिर पर 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नामनेर बाजार कमेटी के उपाध्यक्ष बंटी बघेल ने बताया कि हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी आगरा के नामनेर में लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव पर विशाल मेले का आयोजन चल रहा है, जहां आगरा से नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं। बाजार कमेटी के सदस्य अरुण अग्रवाल ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में काफी उत्साह है। लोग बड़े ही उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। मेरा नाम बंटी बघेल है। किस प्रकार का कार्यक्रम होती है? विगत 5 या 6 दशकों से ये मेला लगा रहा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मेला, और 2 दिवसीय मेला होता है। तीसरे दिन इसमें यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है और 56 भोग का सुंदर सुंदर झांकियाँ, और यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं मेले को देखने के लिए, मतलब लाखों की संख्या में मेरा मानना है लोग आते हैं यहाँ पर। और जनकपुरी के बाद में अगर आगरा में कोई मेला होता है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मेला नामनेर में ही होता है। हाँ, आप देख ही रहे हैं, ये सारी झांकियां लगी हुई हैं, झूले लगे हुए, बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, और लोग आगरा से ही नहीं, यहाँ पर मेले में दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं और बहुत भव्य और दिव्य आयोजन होता है। तमाम श्री कृष्ण भक्तों के लिए किस प्रकार का संदेश आपका रहेगा? मेरा तो भक्तों के लिए ये संदेश रहेगा कि राधे राधे जपिए, और इससे अच्छा कोई मामला ही नहीं है। और हम हिंदू समाज में हमने जन्म लिया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये ब्रज क्षेत्र की भूमि है, यहाँ तो हर धरा जो है पावन है, और कृष्ण भगवान ने हमारे, हम सौभाग्यशाली हैं, कृष्ण भगवान ने हमारे ब्रज में जन्म लिया है। क्या लग रहा है आज पूरा क्षेत्र श्री कृष्णमय भूमि? बिल्कुल, पूरा क्षेत्र नहीं, पूरा देश श्री कृष्णमय है और रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण अग्रवाल है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? देखिए, नामनेर का मेला आगरा का शायद ही मेरी समझ से सबसे बड़ा मेला है। इसके जैसा मेला पूरे आगरा में कहीं पर भी नहीं लगता है, और इस मेले में लाखों लोग आते हैं दूर दूर से देखने के लिए। यहाँ पे मनमोहक झांकियाँ लगाई जाती हैं जिसमें कृष्ण लीलाओं को दर्शाया जाता है, यही सब है। तमाम भक्तों के लिए क्या कुछ कहेंगे? भक्तों के लिए यही है कि कृष्ण जन्मोत्सव को हर्षोल्लास से मनाएं और राधे 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 जपें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन गुप्ता है जी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? यहाँ पिछले 40 सालों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया जाता है। भगवान का जन्म होता है बाकायदा रात को 12 बजे, और यहाँ तरह तरह की झांकियाँ सजाई जाती हैं, लाइटों की सजावट होती है, और जिससे कि भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और झांकियों से प्रेरणा लेते हैं। आज भक्त तो अथा भक्त आते हैं यहाँ पे, उसका तो कोई आप अनुमान नहीं लगा सकते। जब आप खुद देखेंगे अपने सामने तो आपको लगेगा भक्त कितने आते हैं, इतने भक्त आते हैं, बेसुमार भक्त आते हैं, उसका कोई आप वो नहीं कर सकते। क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां तो लाइट की पूरी तैयारियां हो चुकी है, प्रसाद वितरण की तैयारी हो चुकी है, ठाकुर जी हमारे तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से, और स्टेज मंच हमारा तैयार है, और हमारे जो भी VIP आते हैं वो भी आने को तैयार है। किस प्रकार की झांकियां और कितनी झांकियां निकाली जाती है? हमारे यहाँ जो है 2 दिन का प्रोग्राम होता है, जैसे आज अष्टमी और नौमी, 2 दिन का प्रोग्राम होता है, 3 झांकियां आज निकलती हैं और 3 झांकियां नौमी वाले दिन निकलती हैं। झांकियों में किन किन के स्वरूप देखने को मिलते? जैसे ज्यादातर लड्डू गोपाल जी का आपको स्वरूप तो देखने को मिलेगा, और दूसरा स्वरूप हमारा जो है बंशी वाला जो है, स्त्रियों के जो कपड़े चुराते हैं जमुना किनारे, वो है एक स्वरूप वो है, और एक शेषनाथ पे कृष्ण भगवान जी बांसुरी बजा रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है, हमारे जो संस्कृति है उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको जीवित रख सकें और
आने वाली जनरेशन को भी ये बता सके कि हमारी संस्कृति कितनी महान है और कितनी अच्छी है। जो जैसे कि जो लोग आजकल भटक रहे हैं, दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, हम इसीलिए चाहते हैं कि जो हमारी आज की नई पीढ़ी है उसको समझे कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशल बघेल है जी। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? देखिए, सुंदर सुंदर झांकियां जो कि प्रत्येक वर्ष लगती हैं और हर साल की भांति इस वर्ष भी एक विशाल झांकियां, विशाल झूले और इसमें लाखों की संख्या में यहाँ लोग आते हैं। और मैं इस मेले के आयोजन के लिए बिहार कमेटी के उपाध्यक्ष बंटी बघेल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि संयोजक के रूप में पिछले 20 साल से लगातार अपनी पूरी टीम के साथ में इस मेले की व्यवस्था को संभालते हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेले को प्राचीन काल से, जो कि इसका मुख्य केंद्र बिंदु राधा कृष्ण मंदिर रहा है, और प्रत्येक वर्ष इस मेले की भव्यता और दिव्यता बढ़ती ही जा रही है। और मेरा जन्म भी ना हुआ था तो उससे पहले भी इस मेले का आयोजन लगातार होता जा रहा। अपना परिचय दीजिए और जन्माष्टमी उपलक्ष्य में क्या करना है? मेरा नाम जय कुमार शुक्ला है। मैं यहाँ मंदिर मैं मंदिर पर सेवा कर रहा हूँ और तकरीबन 16 वर्ष हो गई, 16 वर्ष से इस मंदिर का महंत हूँ। आज जो है जन्माष्टमी है उसके लिए थोड़ा सा बताएं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आज भव्य यहाँ सजावट साज सज्जा हो रखी है। संध्या का भजन कीर्तन का आयोजन है, रात को 12 बजे के करीब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव होगा। उसके बाद में सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है कलयुग के प्राणियों की थोड़े उद्धार के लिए, जिससे कि भगवान सबका उद्धार करें। लोगों क्या संदेश देना चाहेंगे आप भक्तों को? भक्तों को यही संदेश है कि सभी लोग अपने घरों में मंदिरों में जा करके पूजा अर्चना करें, भगवान से ध्यान लगाएं, भजन कीर्तन करें, इससे उनका कल्याण हो। मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं पंडित हेमंत त्रिपाठी, हनुमान जी के मंदिर। आज जन्माष्टमी है उसके बारे में थोड़ा बताएं। आज जन्माष्टमी है, बाबा के 56 भोग है, वर्षों से 56 भोग लगते चले आ रहे बाबा। वो बहुत हर और उल्लास से बाबा के 56 भोग के बहुत भक्त आते हैं देखने के लिए। जन्माष्टमी है उसके बारे में बताएं। आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के उपलक्ष में ये बाबा के 56 भोग सालों से लगते चले आ रहे हैं, वर्षों से वर्षों हो गए लगते लगते। काफी दूर दूर से भक्त आते हैं, बहुत दूर दूर से भक्त दर्शन करने बाबा के। बाबा की बहुत मान्यता है, दूर दूर तक मान्यता है बाबा की।